स्वागत आपको हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों स्नेक रेस्टोरेंट में अभी हम वी मार्ट के बगल में एक गली है उसी गली में आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, घर निर्माण का काम चल रहा है, यहाँ पे एक बिग साइज का स्नेक देखा गया। हालांकि सांप की पहचान नहीं हो पाई वो कौन सा स्नेक है, तो आपको हम सबसे पहले उनसे मिला था जिसने यहाँ कॉल करके बुलाया। कौन कौन की सर जी? हाँ, अपना शुभ नाम बताएं जो कैमरा में कैद हो जाए। मेरा नाम विश्वास हुआ। ये कौन सा जगह है? ये टेपू गैरेज रोड वार्ड की सर। कितने नंबर वार्ड में आती है सर? थाना कौन सा पड़ता सर आपका? दोस्तों ये मुंगेर जिला के अंदर आती है और यहाँ का हमें फुल एड्रेस मिल चुका है। और आइए सबसे पहले आपको स्नेक दिखाते हैं। स्नेक कौन सा है? सांप को कौन देखे थे आप? देखे थे सांप को? सांप की तरफ पहचान बताइए ना, सांप कैसा चल रहा था? नीला था, नीला। सांप कहाँ पे है? वहाँ से निकला नहीं है वो? निकल के ना फिर उधर घुस गया, उधर फिर घुस गया। अरे बाबा देखो है ना, दीवार में रुकते हैरान करवा दिया। निकल गया आप? निकल गया ना? मिल गया ऊपर दीवार में। हाथ में दिए सर, हाथ में बैठ जा बेटा। अरे अच्छा इनसे ले लो। दोस्तों ये वाटर स्नेक है, ढुलवा सांप कहते हैं आज अपनी भाषा में। ये जो है लगता है वो जो मट्टी जो वहाँ सटा हुआ था ना, उसी के सहारे ऊपर आ गया था। ये वाटर स्नेक है, इसमें वेनम नहीं होता, वेनम ग्लैंड नहीं, जहर की थैलियाँ नहीं होती इसमें। अच्छा वाटर स्नेक, ये पूरी तरह से विषहीन सांप होता है। तो यहाँ पे वाटर है कहाँ जो ये था? ये आपका जो थोड़ा बहुत पानी था ना, उसी में था ये छिपा हुआ। ये मेढक वगैरह मछली हो गया, कीट फतिंगा खाना पसंद करता है। यही सांप था ना? तो ठीक है दोस्तों, ये चिकलेट किल बैक स्नेक है इंग्लिश में, हिंदी में ढोड़वा सांप, ढोर सांप जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसे सुरक्षित पानी वाले स्थान पर रिलीज करेंगे। काफ़ी मेहनत करना पड़ा आप देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत लगा इसे निकालने में। और ये भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी मेहनत की आप, बहुत मेहनत की आदमी है। सुनो रे, मिट्टी उधर गिरा, उधर उधर हाँ उधर उधर चलिए किसी पानी वाले जगह में से रिलीज कर देते हैं, जहाँ की पुनः अपना जिंदगी जीना चालू करते हैं। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, पोखर तालाब में रहना पसंद करते हैं।
ताकि वहाँ से बिल्कुल सुरक्षित जगह है इसके लिए। यहाँ पे क्या है, इसे छोटी छोटी मछलियाँ भी मिल जाएगी आसानी से, तो वही इसे रिलीज कर देते हैं यहाँ पे। ये सांप की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पानी में रहने वाला सांप है और ये ऊपर तभी आता है जब इसको शिकार करना होता है। हालांकि यहाँ शिकार बहुत ज़्यादा, तो ये पानी से ऊपर जल्दी नहीं आएगा। दोस्तों पानी के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, अभी थोड़ा हमें और भी अंदर जाना होगा रिलीज करने के लिए। ये सांप बिल्कुल पूरी तरह से विषहीन सांप होता है, इससे किसी इंसान और किसी जानवर को कोई क्षति नहीं हो सकती है, इसी कारण हम इसे यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। यहाँ से रिलीज करेंगे हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह था ये, और जहाँ जिसके लिए जगह होता है वहीं पर उसे रिलीज़ करने का है, नहीं तो इसे अगर आप कहीं पानी वाले एरिया से दूर रिलीज़ कर दीजिए तो ये बेचारा मर जाएगा, क्योंकि इसका ज़िंदगी पानी ही है। तो चलिए